नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आरजे नरेश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले 2020। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है रशिया में, हम आपके साथ खेल रहे हैं फुटबॉल फीवर 2018 और अब स्टार्ट हो चुके हैं राउंड ऑफ 16 के मैचेस, यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल मैच कह सकते हैं इनको हम। और इन मैचेस की खास बात कि अब कोई मैच ड्रॉ नहीं होगा, हर मैच का रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है नॉकआउट दौर। जो भी टीम जीतेगी वो अगले राउंड में पहुंचेगी और जो टीम हारेगी वो कहेगी अलविदा वर्ल्ड कप 2018 को। राउंड ऑफ 16 का आज है फोर्थ डे और होने वाला है आखिरी मैच, यानी कि आठवां मैच होगा इस राउंड का, कोलंबिया वर्सेस इंग्लैंड। इस मैच में क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा क्योंकि ये मैच स्टार्ट होगा ठीक 11:30 बजे, यानी कि 11:30 PM पर स्टार्ट होगा ये मैच। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का सवाल। अगर आप हमारे इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो ठीक 11:30 बजे तक, यानी कि 11:30 PM तक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट करना होगा। फुटबॉल फीवर 2018 खेलने के लिए हमने कुछ रूल सेट किए हैं। अगर आप हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल नंबर एक, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही अपना रिप्लाई दे सकते हैं, यानी कि आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट करेंगे। रूल नंबर टू, आप किसी दूसरे व्यक्ति के कमेंट पे किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने कमेंट में किसी भी तरह की एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे और आप हमारे साथ आगे गेम नहीं खेल पाएंगे। रूल नंबर थ्री, अगर आपका आंसर हुआ एकदम ठीक तो आपको मिलेंगे +5 पॉइंट्स और अगर आपका आंसर हुआ गलत तो आपको मिलेगा एकदम जीरो, यानी कि आपका स्कोर जीरो पर ही रहेगा। तो ये हैं हमारे रूल जो हमने आपके लिए सेट किए हुए हैं। हमारा आज का सवाल है, क्या इस मैच का निर्णय एक्स्ट्रा टाइम में होगा? टुडेज क्वेश्चन इज, will this match be decided in extra time? So keep watching and keep playing with us, Football Fever 2018. Still full of running and he's...